नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर में वन विभाग ने दुर्लभ सांपों की 1 करोड़ की डील करते 3 तस्करों को दबोच कर जीवित दुर्लभ बरामद किए हैं। इन दुर्लभ सांपों का उपयोग मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए किया जाना बताया जा रहा है। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना सिहारा के अंतर्गत मुरादाबाद रोड पर वन विभाग को सूचना मिली कि दुर्लभ प्रजाति के रेड सैंड बोआ सांपों को तस्कर बेचने जा रहे हैं। वन विभाग ने घेराबंदी कर 2 सांपों सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। बाजारों में इन 2 सांपों की कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है। इनका उपयोग मर्दाना ताकत को बढ़ाने के लिए किया जाना बताया जाता है। एसडीओ ज्ञान सिंह बिजनौर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनको सूचना मिली थी कि कुछ तस्कर दुर्लभ प्रजाति के सांपों को जिले से बाहर बेचने के लिए ले जा रहे हैं। घेराबंदी कर वन विभाग ने 3 तस्करों को 2 जीवित रेड सैंड बोआ सांप सहित गिरफ्तार कर लिया। इन तस्करों का स्वार्थ हित के लिए जीवित सांपों को पकड़कर बाजार में बेचने का पेशा बताया जाता है। दुर्लभ सांपों के साथ कुछ तस्कर पकड़ गए हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, आज सूचना हम लोगों को मिल रही थी कि कुछ लोग इधर शिवारा नूरपुर एरिया से ये रेड सैंड हुआ सांपों की तस्करी कर रहे हैं। तो उसके लिए हम हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देश पर एक उन्होंने टीम गठित किया था, जिसमें आज पुनः सूचना मिला कि कुछ लोग जो है तस्कर ये रेड सैंड हुआ सांप को शिवहारा से लेकर मुरादाबाद की ओर जाने वाले हैं। तो इस पर शिवहारा नूरपुर मार्ग किलोमीटर संख्या 9 पर इन लोगों ने आज इन 3 अभियुक्तों को पकड़ा है, जिनके पास से 2 जीवित रेड सैंड हुआ सांप की बरामदगी हुई है। तो ये लोग इसे कहीं बेचने के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे थे क्या सर? हाँ, इन लोगों ने अभी तक जो प्रिलिमिनरी जो पूछताछ हुई उसमें यही लोग बता रहे हैं कि ये लोग ऐसे इन जंगलों से पकड़ते हैं और इनको बेचते हैं अपना मुनाफा कमाने के लिए। तो इनके साथ कुछ और साथी भी हैं सर इनके? अभी पूछताछ इनसे चल रही है, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिला है, उस पर हम लोग आगे भी कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी ये जाँच का विषय है। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।